वही कर रहे टुडे आई एम नॉट फ्रॉम सिस्टम ना, आई एम फ्रॉम मोबाइल। तो आई चलो रिकॉर्डिंग शायद हो गई और है ना। यस वेदांग एडमिट करते रहो जो स्टूडेंट सर, आ कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ सर। एक वो किसी का ज्वाइन हो नहीं रहा है, तब से लोड ही हो रहा है। अच्छा। हाँ तो व्हाट वी वर सेइंग, टाइम टी वन पे आर वन है और टाइम टी टू पे आर टू है, करेक्ट? यही दिया है ना? यस सर, यस सर। एक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ केमिकल रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन। तो आर वन क्या हो जाएगा? आर वन विल बी रेट क्या था, लैम्डा एन, करेक्ट? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो इट विल बी आर वन विल बी लैम्डा टाइम्स एन वन, वेयर एन वन इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एट टाइम टी वन, यस सर। एंड आर टू विल बी लैम्डा एन टू, रेडियो एक्टिव पार्टिकल एट टाइम टी टू। तुमसे पूछा गया है टी वन और टी टू के बीच कितने पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हुए, यस सर। दैट इज एन वन माइनस एन टू। हाँ, क्या क्या हो गया वो देखो इससे। अच्छा, आर वन बाय लैम्डा माइनस आर टू बाय लैम्डा। ठीक है, हाँ सर, क्लियर? यस सर। चलो आगे सर 40 सेकेंड। एक सेकेंड सर, सॉरी सर। फिर लैम्डा को हम लोग कैसे टी लिख देंगे ना? नहीं लैम्डा को भी टी की टर्म्स में लिखना है क्या? सर, हाँ, उन्होंने आर वन माइनस आर टू बाई टी है। आर एक सेकंड, मैं ऑप्शन आप करेक्ट आंसर बताता हूँ सर आपको। करेक्ट आंसर दिया है 54 का, आर वन माइनस आर टू बाय 0.693। अच्छा, वो लैम्डा के उससे आ जाएगा, हाफ लाइफ वाला से। लेकिन हाफ लाइफ कहां से लाएंगे? सर हाफ और लाइफ कुछ टी है, कैपिटल टी दिया है हाफ लाइफ। कैपिटल टी हाफ लाइफ दिया है ना, तो लैम्डा इज एल एन हाफ लाइफ कैपिटल टी इज एल एन टू बाय लैम्डा। हाँ, ठीक है, यस सर, ओके ओके सर, ये हो जाएगा। सर फिर एक अगर मेरे को 61st में अगर किसी को नहीं उससे एक कोई टाइम। उससे पहले कुछ पूछ रहा था उसका आपको जाने दो। तो 40 सेकंड, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ 14C6 इक्विवेलेंट टू 1 mCi इफ टी हाफ इज 5570 इयर्स एंड 1 Q इज 3.7×10^10 dps। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा है इस प्रॉब्लम में? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ 14C6 इक्विवेलेंट टू 1 mCi। 1 mCi, करेक्ट? यस सर। मतलब तुम्हें एक्टिविटी चाहिए 3.7×10^7 dps, हाँ सर। करेक्ट? ठीक है, यस सर। ये तुम्हें एक्टिविटी चाहिए। तो इस एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा एन, करेक्ट? तुम्हें एन निकालना है, एन क्या हो गया ए बाय लैम्डा, करेक्ट? यस सर। तो ए है 3.7×10^7 और लैम्डा हो गया एल एन टू इंटू हाफ लाइफ कितनी दी है, 5570 इयर्स। तो हाफ लाइफ को तुम सेकेंड्स में यहां रखो क्योंकि ये यूनिट डीपीएस है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यस, तो इसको सेकेंड्स में हाफ लाइफ को रख लो, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, करेक्ट? यस। इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल्स मिल गए। हाँ सर। फिर 14 से मल्टीप्लाई कर दो, मास मिल जाएगा ग्राम्स में, करेक्ट? यस सर।
जस्ट टू कंफर्म, हम जब उसको नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ 365। ये क्लियर है? यस सर। चलो अगला। मेरे को 61st में, अगर किसी को उससे पहले तो पूछ लो। चलो तुम 61 पूछो। ओके सर। सर पेयर ऑफ सिमिलर रेडिएशन पूछा उन्होंने हमसे, एंड मैंने बीटा और एक्सरेज मार्क किया था, उन्होंने रॉन्ग दिया है। वो लोग कह रहे पेयर ऑफ, हैं पेयर ऑफ सिमिलर रेडिएशंस, पेयर ऑफ सिमिलर रेडिएशन, बीटा और, एक्सरेज मैंने मार्क किया है, वो नहीं लोग कह गलत रहे है यार, बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे फोटोन है। हाँ एक्सरे फोटोन है। ओ ओ ओके। हाँ एक्सरे तो वॉज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ अरे हाँ। ओके, मैंने सर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होता है इसलिए एक्सरे निकलती थी, उससे कंफ्यूज कर लिया मैंने, शायद इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। ओके सर सॉरी। हाँ 61D। सर फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर पेरेंट एलिमेंट ऑफ 4n+3 सीरीज? सर उसके अंदर तो यूरेनियम 235 होता है ना, तो उसका हाँ तो एन का तो 50 होना चाहिए। हाँ यार, उसमें वो आंसर गलत दिया है, वो आंसर गलत है। ओके सर। उन्होंने एन पूछा है लेकिन आंसर एन का नहीं दिया है। हाँ उन्होंने तो लगातार किया। हाँ सर। तो मेरे को अब 65 है, किसी को और पहले है तो फिर। और किसी को कोई डाउट? नहीं, बोलो 65 पढ़ो। सर व्हेन 27 एल्यूमिनियम 13 इज बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस 30 इज फॉर्मड विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस कर लो, एल्यूमिनियम को तुमने बॉम्बार्ड किया अल्फा से, करेक्ट? ओके सर, हो जाएगा हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ समझ गए? यस सर, समझ गया। न्यूट्रॉन ही हो सर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पेरेंट न्यूक्लियस व्हिच गिव 14n ऑन बीटा एमिशन। सर वो नीचे का लिखा नहीं उन लोग ने 14, अच्छा 7 ही होगा। नाइट्रोजन है ना। हाँ सर। और ये लास्ट, अ मैग्नेट विल कॉज ग्रेटर डिफ्लेक्शन ऑफ विच रेस, गामा बीटा और अल्फा और न्यूट्रॉन, मैग्नेट विल भाई कॉज ग्रेटर डिफ्लेक्शन इन विच? मैग्नेटिक चार्ज में करेगा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा चार्ज क्यू वी बी फोर्स लगेगा ना। हाँ सर सर, उन्होंने गामा रे दिया है, वो तो हो ही नहीं सकता। गामा में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कह रहे हैं। नहीं बीटा कैसी थी होगा? अच्छा, बीटा रेज दिया। अच्छा सर वैसे तो अल्फा होना चाहिए ना, लेकिन मेरे को अल्फा अल्फा लगता का मास 4 टाइम्स हो गया है, है। हाँ तो भाई फोर्स तो अल्फा पे डबल लगेगा, लेकिन मास 4 टाइम्स है तो रेडियस का डिफ्लेक्शन कम होगा ना उसका। अच्छा हाँ राइट सर राइट सर। बीटा रेज ही होगा। हाँ सर ओके सर, मेरे हो गए, मेरे डाउट्स हो गए। हेलो। सर 88। इफ टू लाइट न्यूक्लियर आर फ्यूज टुगेदर न्यूक्लियर रिएक्शन, द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लॉन इंक्रीजेस डिक्रीजेस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिमेन सेम। यार देखो ये डिबेटेबल प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम में बोल रहे हैं लाइट न्यूक्लियाई, करेक्ट? यस सर। अब लाइट न्यूक्लियाई का एक जनरल जो मैं सेंस निकालूंगा वो होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई होते हैं अपटिल सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल तक अपने मास नंबर होते हैं 20 तक, करेक्ट? यस सर। अब 20 तक के भी अगर दो न्यूक्लियाई फ्यूज किए तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका मास नंबर 40 होगा, करेक्ट? यस सर। और इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने एक ग्राफ ये किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला, ऐसा, करेक्ट? हाँ इसकी यस ये सर। पीक कहाँ थी? 56 पे थी, आयरन पे, करेक्ट? अब अगर 20-20 से कम वाले दो कंबाइन होके उससे एक हैवियर बना रहे हैं तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो बढ़ ही रही है, यस और नो? यस सर।
तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज, बट आई थिंक आंसर गिवेन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना? हाँ सर, यस। क्योंकि वो एक ऐसा केस भी ले रहे हैं कि मान लो एक ये मतलब यहां वाला और यहां वाला कंबाइन होके एक यहां वाला दे रहा है, बट यार उसके लिए उसको फिर लाइट न्यूक्लियाई नहीं वर्ड यूज होना चाहिए भाई। ये समझो दो कंबाइन होके पीक के पहले का कोई रिजल्ट दे रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विल इंक्रीज, आगे का पीक के बाद का कोई दे रहे हैं न्यूक्लियाई तो इट माइट डिक्रीज ऑल्सो, करेक्ट? हाँ सर। तो लाइट न्यूक्लियाई वो कहां तक के न्यूक्लियाई को लाइट बोल रहे हैं वो एब्सर्ड चीज है, तो आई विल गो विद द आंसर ऑफ इंक्रीज। ओके सर, ओके सर, ओके। बोलो अगला डाउट। सर विंडो सरफेस होने के बाद ही करेगा क्या? सर विंडो टू आईआईटी जेई कर लिया है विंडो? सर किया तो नहीं है अभी, कर सकते हैं लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है क्लास में। हाँ तो करो और लिसन, हाँ विंडोज के न्यूक्लियर के प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो एंड आई एम सेंडिंग अ न्यू लिंक, ओके? ओके सर, उसको ज्वाइन करो उस मीटिंग को, अभी इसमें ज्वाइन रहो, जब मैं नया लिंक भेज दूं तब दूसरे में ज्वाइन करना, ठीक है? ठीक है सर। और सब लोग विंडो स्टार्ट करो करना, विंडो के न्यूक्लियर के प्रॉब्लम। ओके सर, कोई धर्मेंद्र हमारे बैच में है क्या? पता नहीं, पर डेली अटेंड करता है। ओके।
कितने हो गए सर? थोड़ा सा बाकी है, करो करो।
हो गया कंप्लीट सर? थोड़ा सब्जेक्ट वाले में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। अच्छा करो।
हो गया सर। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ मॉलिब्डेनम 9942 व्हिच इज अ बीटा एमिटर इज 66.6 आवर्स फाइंड द मिनिमम अमाउंट मॉलिब्डेनम रिक्वायर्स टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इन 6.909 आवर्स। भाई ये काइनेटिक्स की बुकलेट में भी सेम प्रॉब्लम किया था याद है। देखो तुम्हें एक्टिविटी कितनी चाहिए 346 करेक्ट, तो दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा एन करेक्ट। यस और ये एक्टिविटी तुम्हें तब तक चाहिए एटलीस्ट फॉर 6.909 आवर्स करेक्ट। यस सर। तो एटलीस्ट तुम्हें इतने मॉलिब्डेनम के न्यूक्लियस लेने हैं स्टार्टिंग में कि 6.909 आवर्स के बाद भी ये एक्टिविटी तुम्हें मिल जाए। एन को क्या लिखोगे करेक्ट। लैम्डा टू में मालूम है हाफ लाइफ दी है, उससे लैम्डा निकाल लोगे और टी तुम्हें दिया है 6.909 आवर्स करेक्ट। यस सर। ये सब वैल्यूज रख के एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ओके। इस ये आएगा नंबर ऑफ मॉलिब्डेनम न्यूक्लियस यू शुड टेक एट स्टार्टिंग। अब इसको अगर मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मोल्स मोल्स निकाल के पहले वो कैटलो नंबर से डिवाइड कर देना, फिर मोलर मास जो भी उसका मास नंबर दिया शायद 99 उससे मल्टीप्लाई कर देना ठीक है सर। सर बोलो सर, मेरे को 19th में डाउट था। उन लोग ने आंसर की में बोला है, सॉरी एक सेकंड, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ नाइट्रोजन 14 विद अल्फा पार्टिकल, तो सर उसके अंदर आंसर किए उन्होंने बोला है कि 9 फ्लोरीन 18 बनेगा, फिर उसके बाद वो टूट के ऑक्सीजन 17 प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। सर तो मेरे को ये नहीं समझा कि फ्लोरीन का एन बाई पी रेशियो जो था वो एक सेकंड, हाँ सर फ्लोरीन का एन बाई पी रेशियो तो ऑक्सीजन से कम है तो वो इतना अनस्टेबल क्यों है कि वो टूट ऐसे नहीं देखते हैं बेटा। फ्लोरीन का सबसे स्टेबल आइसोटोप कौन है,
एक सेकंड, इसका मास का नंबर याद नहीं है। क्लोरीन का क्या मास नंबर लेते हो? 19। हाँ सर सॉरी, और ये तुम्हें मिला 18 वाला आइसोटोप। अच्छा ओ ओके, तो अच्छा, इसका एन बाय पी अपने सबसे स्टेबल एन बाय पी से कम है। ठीक है सर, तो चेंज होएगा। हाँ अच्छा ऑक्सीजन का, हाँ सर लेकिन ऑक्सीजन का भी तो गड़बड़ है ना, उसका 16 होता है। हाँ 16 सबसे स्टेबल है, 17 लिया हम लोग ने तो वो भी अनस्टेबल है। अच्छा वो भी अनस्टेबल है, ठीक है सर। अब इसके अंदर से सोचना, हम लोग को पहले ऐड कर लो, पहले बेसिकली अल्फा पार्टिकल आया तो ऐड कर लो ऊपर नीचे, और बाद में डिसाइड करो ना कि ये स्टेबल हाँ, नहीं। ओके हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके थैंक यू, ओके। और किसी को कोई डाउट बचा है न्यूक्लियर की बुकलेट में? अच्छा ये बताओ, पुराना हम लोगों का कोई भी बुकलेट का डाउट बचा है? सारे डिस्कस तो है वैसे नहीं। तो कल टाइम टेबल में डाउट लेक्चर है ना? है हाँ सर, कल दिया हुआ है। उसमें कुछ करना है कि कोई नीड नहीं है उसकी? सर डाउट्स तो नहीं है वैसे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर किसी को डाउट हो तभी ज्वाइन करना है, ठीक है? ठीक है सर। सर आप मतलब रिवीजन कब से शुरू करोगे? रिवीजन तो बेटा एक बार इनऑर्गेनिक खत्म हो जाने तो तभी रिवीजन शुरू करेंगे, एक बार जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए केमिस्ट्री का। थ्री ईयर में तो फिर नेक्स्ट ईयर, थ्री ईयर में भी अभी शुरू नहीं हुआ है रिवीजन। देखो अगर रिवीजन के ट्रैक शुरू हो गया तो तुम लोग का इनऑर्गेनिक के उतने लेक्चर कम होंगे ना। हाँ भाई, भाई नंबर ऑफ लेक्चर्स तो लिमिटेड है ना, यू डो नॉट हैव एन कि कितने भी लेक्चर रख सकते हैं, तुम लोग को सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए। यस सर, करेक्ट। तो एक बार इनऑर्गेनिक तुम लोग की शुरू हो गई है? हाँ सर, जीआईसी हो गया, कोऑर्डिनेशन का एक लेक्चर हो गया। हाँ तो अब अगर ये वाले लेक्चर फिजिकल के रुकेंगे तो उनके लेक्चर्स को ज्यादा टाइम मिलेगा ना, तभी तो इनऑर्गेनिक खत्म होगी। हाँ सर। आप व्हाट्सएप ग्रुप कब ज्वाइन कर रहे हो? यार व्हाट्सएप ग्रुप मैं बोलता हूँ रेनू को, उसके पास होगा ना लिंक, एडमिन अब शायद वही होगी। सर आप सरफेस खत्म करवा सकते हो क्या? अगर दो तीन सरफेस, बेटा इनऑर्गेनिक के बिना नहीं हो पाएगा, उसमें काफी पॉइंट्स लगते हैं इनऑर्गेनिक के। अच्छा मेरे को लगा दो तीन पॉइंट है तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वैसे। ठीक है, नहीं नहीं, न्यूक्लियर फिशन का नोट आपको भेजना था। वो मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ इसीलिए मेरा पास मेरा सिस्टम नहीं है, दो तीन दिन में मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। आप बोलते रंजीत शाही से फोटो भेजोगे? रंजीत शाही से भेजूंगा, और थोड़े मेरे पास और भी नोट्स हैं वो मैं भेजूंगा। अच्छा तब जो थ्योरी पार्ट है ना जो याद करना है बस। हाँ सर, हाँ ओके सर। चलो देन वी विल स्टॉप। अब तुम लोग बैकलॉग्स अभी हैं तो उनको कवर करना, थोड़ा टाइम निकाल निकाल के। हाँ सर। सर काफी बैकलॉग है। सर काफी है बैकलॉग, काफी बैकलॉग है तो एक प्लानिंग बनाओ। इम्पोर्टेंस तो अब समझ में आने लग गई होगी ना रिलेटिवली कि भाई ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उतना नहीं है, तो उस इम्पोर्टेंस लेवल के हिसाब से एक प्लान बनाओ कि मुझे पहले ये चार चैप्टर करने हैं, तो मैं सबसे पहले ये है। न्यूक्लियर कितना इम्पोर्टेंट है? न्यूक्लियर से एक प्रॉब्लम आता है हर दो तीन साल में, मैंने बताया। और न्यूक्लियर तो यार डिस्कशन में नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर करने में भी 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ वो भी है करेक्ट। तो वो तो मतलब ऐसे चुटकी बजाते हुए खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा चैप्टर हो तो उस पर डिबेट करो यार, इसका बैकलॉग कवर करूं या ना करूं। न्यूक्लियर जैसा चैप्टर, हाँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से कितना बचेगा? वॉल्यूमेट्रिक का एक क्वेश्चन आता है, वॉल्यूमेट्रिक के लिए मेरी एडवाइस है क्योंकि तो मैं जो पिछले 10 साल से देख रहा हूँ जनरली एक क्वेश्चन आता है जो बैलेंसिंग पे होता है या इनफैक्टर कैलकुलेशन पे होता है, समझ लो।
बैलेंसिंग हो जाता है वो एन फैक्टर क्या बैलेंसिंग हो जाता है वो एन फैक्टर में दिक्कत हो रहा था। हाँ तो एन फैक्टर तो प्रैक्टिस कर लो, वो इम्पोर्टेंट चीज दो तरीके से है, वॉल्यूमेट्रिक के लिए तो है ही, यही इलेक्ट्रो में भी यूज पड़ता है। सर इलेक्ट्रो में वो थोड़ा इजी रहता है, मतलब वो टाइट्रेशन वो सब कुछ आ जाता है, वॉल्यूमेट्रिक में वो थोड़ा टफ हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स नहीं बन जाते। टाइट्रेशन की प्रॉब्लम्स अलग है, एन फैक्टर कैलकुलेशन अलग चीज है। सर पर उसमें भी तो उसका यूज आता है नहीं, टाइट्रेशन की प्रॉब्लम में तो बिल्कुल ही आना यूज, और कई बार आना है, वो नहीं मैं कह रहा हूं। तुम प्रीवियस से ही पेपर देखोगे तो एक रिएक्शन दे दिया और पूछा इसका एन फैक्टर बताओ। अच्छा ओ ऐसा क्या वैसे वाला सर, मोल कॉन्सेप्ट सर, मोल कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम का कितना वेटेज है? मोल कॉन्सेप्ट और वॉल्यूमेट्रिक एक ही चीज है। क्या होता है वो क्या है कि वो तो एक सीधे एक आंसर डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जेई में तुम देखोगे तो हमेशा एक रेंज ऑफ आंसर दी जाती है। जैसे अगर 15.49 आंसर है तो डेफिनेटली जेई पेपर कुछ ऐसी रेंज देगा कि 15.46 से लेके 15.52 तक के सारे आंसर्स करेक्ट है। ओके ओके, तो देयर इज अ प्लस माइनस 5% एरर अप्रोक्सीमेशन जो जेई पेपर रखता है, ठीक है। सर इलेक्ट्रो मेरा मतलब मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ा था एमटी के ताकि क्वेश्चंस हो जाए एटलीस्ट मेंस के। सर वो कैसे करना है सर, वो काफी वीक है। नोट्स देखो, बुकलेट पूरी की है? हाँ सर, बुकलेट मैंने एफबीओ एफबीएस कर लिया पूरा, और गेट इक्विप्ट आदि की है। गेट इक्विप खत्म करके इसका डीपीपी और रैंक बूस्टर कर लो इलेक्ट्रो का। ओके सर, ओके। और सर इलेक्ट्रो इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़े नहीं छोड़ सकते हो। हाँ सर भाई, छोड़ने का नहीं सर, कवर कैसे करना था यही। नहीं बस इतना ही कर लो, दैट इज सफिशिएंट। सर कई चैप्टर्स में रैंक बूस्टर वगैरह नहीं किए तो उसको बैकलॉग में नहीं गिनना है ना अभी? नहीं बैकलॉग में नहीं गिनना, उसको आपको बिफोर आर रिविजन स्टार्ट कंप्लीट करना है। तो किसी दिन एक घंटा खाली है कुछ, अब एक घंटे के लिए होमवर्क नहीं है तो एक घंटे में आधा किसी चैप्टर का आधा रैंक बूस्टर लगा लिया। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री करा ना सुन लो। हाँ, इस तरह रिविजन भी होता जाएगा तुम लोग का। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, सॉलिड स्टेट का क्या वेटेज आता है? सॉलिड स्टेट के आएंगे एक क्वेश्चन तो डेफिनेट दो भी आते हैं। सर 12th का वेटेज ज्यादा है क्या? 12th का वेटेज ज्यादा, सॉल्यूशन और इजी चैप्टर हैं। हाँ, काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट तो काफी सिंपल लगते हैं। कंपेयर्ड टू आयनिक एंड थर्मो जो 11th वाले हैं उनसे कंपेयर्ड ये इजी है। तो थर्मो में काफी भूलते रहते हैं, मैं पढ़ लिया है? थर्मो काफी भूल जाता हूँ मैं, पढ़ लिया काफी बार लेकिन थर्मो याद नहीं रहता, बार बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे तब सबकी रिवीजन शीट बनवाएंगे तब याद रहेगा। साइन कन्वेंशन के वैसे फिजिक्स वाले थर्मो के यार कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, वो तो यार केयरफुल रहना उल्टा है साइन कन्वेंशन, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके सर, पर एक ही कन्वेंशन फॉलो करे तो प्रॉब्लम क्या? यार ये हम लोग के हाथ में नहीं है ना, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं वो लोग नहीं मानते हैं। चलो ओके, बाय एवरीबॉडी, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।